वाले शहर में इन दिनों दिनों दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात मुरार थाना क्षेत्र की शराब दुकान के बाहर बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दुकान के कर्मचारी ने बताया कि दो नकाबपोश बदमाश जिन्होंने फायरिंग की है तब वहां साथियों के साथ दुकान में छुपे हुए थे। बदमाश गाली गलौज करते हुए भाग गए। हालांकि घटना का सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। तो अगली खबर ग्वालियर से, जो ग्वालियर में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला के पूरी जीवन की कमाई को ठग लिया है। जी हां, बुजुर्ग महिला को गिरफ्तारी का खौफ दिखाकर उसने 51 लाख रुपए ठग लिए हैं। साइबर ठगों ने बुजुर्ग महिला का वीडियो कॉल पर रखकर पूरा घर चेक किया। घटना के बाद पीड़िता बेहद डरी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। एक वृद्ध महिला है जिनको मुंबई से एक कॉल आया, फ्रॉड कॉल, जिसमें उनको धमकाया गया कि आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया है और 2 घंटे के अंदर आपकी गिरफ्तारी होना है, और सिम के नाम पर कि आपकी मुंबई की सिम है, और उससे गंदे गंदे मैसेज बच्चियों के भेजे गए हैं, उसमें आप पे मुकदमे केस फाइल हो गया है, और उनको डरा धमका करके स्काइपी एक कॉल बता करके डाउनलोड कराया गया, और डाउनलोड करा के उनको टेरराइज करके बैंक में भेजकर सारी डिटेल ली गई, और बैंक से भेजकर उनकी FD तोड़वा कर RTGS माध्यम से लगभग 51 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दिए गए। बेंगलुरु के लक्ष्मी ज्वेलर्स में हुई लूट का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया। बता दें कि 14 मार्च को ग्वालियर के बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ज्वेलर्स को लूटा था। इस दौरान दो कर्मचारियों को गोली भी लगी हुई थी। मामले में ग्वालियर पुलिस और कर्नाटक के बेंगलुरु क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पिस्टल, कट्टा और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।